मैंने अपनी आंखों से देखा है आज जिस तरह से बर्बरता से पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, गोलियां चलाई हैं, एक छात्र मर चुका है। ये अपने आप में इस देश के आज़ादी के बाद संविधान का एक बहुत काला दिन है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं वो बहुत खतरनाक है। ये खुद तो पढ़े लिखे नहीं है, ये बच्चों को भी पढ़ने नहीं देना चाहते। इसका लाठीचार्ज नहीं था, पुलिस का षड्यंत्र के तहत छात्रों की हत्या की गई है। तुरंत पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा जाए और जरा सी भी शर्म अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी में है तो इस्तीफा दे दें। और मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूँ, आज तक हिटलर को भी नामो निशान को मिटा दिया गया तो उनकी हैसियत क्या है। सर, जिस तरह से देश में जिस तरह का जो जामिया पे अभी हमला हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये लगातार लोकतंत्र पर हमला है, संस्थानों पर हमला है। ये ना तो यूनिवर्सिटियों को जिंदा रहने देना चाहते हैं, ये ना तो संविधान के लिए लड़ने वालों को जिंदा रहने देना चाहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है आज जिस तरह से बर्बरता से पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, गोलियां चलाई हैं, एक छात्र मर चुका है। ये अपने आप में इस देश के आज़ादी के बाद संविधान का एक बहुत काला दिन है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं वो बहुत खतरनाक है। ये खुद तो पढ़े लिखे नहीं है, ये बच्चों को भी पढ़ने नहीं देना चाहते। जो संविधान के लिए आवाज़ उठाएगा उसे ये मार देंगे, उसकी आवाज दबा देंगे, उसे कत्ल कर देंगे, पुलिस के जरिए, कभी गुंडों के जरिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इसलिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय पे इकट्ठे हुए। यह सिर्फ मुस्लिम का मसला नहीं, आप असम उठा के देखिए, आप गुवाहाटी उठा करके देखिए, आप मेघालय देखिए, चारों तरफ लोग हाहाकार कर रहे हैं। ये तय करेंगे कि इस देश का निवासी कौन है, ये हमें बताएंगे कि हम इस देश के रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले। मैं नहीं मानता इस कानून को, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। थोपने दीजिए, इस सरकार को जो जनता से बनी है यह सरकार, इस सरकार को जनता ही उखाड़ के फेंकेगी और इस पूरे देश की जनता जाग चुकी है, देखते जाइए। मैं जनता से अपील करूंगा कि यह वक्त घर में बैठने का नहीं है। जो आंच आज जामिया को झुलसा रही है, जेएनयू को झुलसा रही है, वो आंच आपके घरों तक पहुंचने वाली है। अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने शहर में प्रदर्शन करिए, आवाज उठाइए, बोलिए। अगर चुप रहे तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। कल तक वकीलों से पिटने के बाद मानवाधिकार की दुहाई देने वाली पुलिस, आज मानवाधिकार कहाँ गए? आज क्या छात्रों का कोई मानवाधिकार नहीं? लड़कियों पर लाठी बरसा रहे नामर्द लोग। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, तुमने इस देश की तस्वीर उड़ाई, ऐसे ऐसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, नरेंद्र मोदी निगाहों से उतर जाओगे, मौत आनी है जब आएगी तुम्हारी खाते, मौत से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। ये देश तुम्हें याद रखेगा, दो दिन पहले आप गिरे थे, पूरा देश हंसा था, मुझे बुरा लगा था, मुझे लगा था कि मेरा प्रधानमंत्री गिरा है, तंत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन आप वहां तक तुरंत उठ गए थे, लेकिन आप जहां गिरे थे वहीं पर रह गए। आपकी दिल्ली में आप जहां रहते हैं वहां से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर जो बर्बरता पुलिस कर रही है, शर्म क्यों नहीं आ रही? आप रोकिए अपनी पुलिस को, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आज आपको लग रहा होगा कि आप सब जो है सोशल मीडिया पे आपके लिए कैंपेन चला के आपको महान बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जाइए जमीन पर उतरिए तो आपको लगेगा कि जनता आपके बारे में क्या कह रही है। जनता कह रही है कि आप जीडीपी नहीं सुधार पा रहे हैं, इसलिए सरकार में लगातार कंज कर लिया, आपने अपने कंपेन उठाया, कोई अंदाज आपका जो है छात्रों के लिए? मेरे भाई ये शायरी सुनाने का बिल्कुल वक्त नहीं, मैं लगातार अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, ये नारे लगाने का वक्त है, ये शायरी से जान नहीं रही है सरकार। मैं नारे भी लगा रहा हूँ, शायरी भी सुना रहा हूँ। यूथ आपको गायक उनके तौर पर मांगता है, आपकी बातों को मांगता है, यूथ का प्यार है। मैं उससे कह रहा हूँ कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए और उनको भी पहचानिए जो आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन में खुद जा रहे हैं और आपके प्रदर्शन को अशांतिपूर्ण बना रहे हैं। आप उनको भी पहचानिए जो कनस्तर में ला करके तेल जो है वो गाड़ियों पर डाल करके, गाड़ियों को जला करके उसे आपके मत्थे मर रहे हैं। सजग रहिए, ये बहुत ढीठ और बेशर्म सरकार है, इससे सजग रहना पड़ेगा। अगर सजग नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए कभी आपके स्टूडियो में बैठूंगा तो सुनाऊंगा, अभी नारे लगाने दीजिए, अभी जोश आ रहा है। आजादी, 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 आजादी।
ये पुलिस का लाठीचार्ज नहीं था, पुलिस का षड्यंत्र के तहत छात्रों की हत्या की गई है। तुरंत पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा जाए और जरा सी भी शर्म अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी में है तो इस्तीफा दे दें। और मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूँ, आज तक हिटलर को भी नामो निशान को मिटा दिया गया तो उनकी हैसियत क्या है। अब छात्र सड़कों पर आ गया है और अब हमारी आवाजों को दबाया नहीं जा सकता। आने वाले दिन में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को नष्ट नाबूद कर देगा ये छात्र। जनता सड़कों पर आ गई और अब ये ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट नाबूद हो जाएंगे।